अब बीजापुर से बड़ी खबर, 1 लाख के इनामी समेत 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। मोटापाल के जंगल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कई मामलों में ये वांटेड थे, तलाश इनकी की जा रही थी, डीआरजी और पुलिस जवानों ने इन्हें पकड़ा है। 1 लाख के इनामी समेत 5 नक्सली गिरफ्तार। इधर जशपुर से 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 1 साल से ये दोनों फरार चल रहे थे, मवेशियों की तस्करी करते हुए ये फरार हो गए थे और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। 1 साल से ये फरार चल रहे थे। कोरबा में कबाड़ के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। 3 कबाड़ियों से 7 टन कबाड़ जब्त हुआ है। मुखबिरी की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। कबाड़ की आड़ में अवैध कारोबार चलने की शिकायत मिली थी और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस कबाड़ की जो कुल वैल्यू है वो लगभग 17 लाख रुपए आकी जा रही है। इसके अंदर जिन कबाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई है उसमें सर्वप्रथम मुकेश साहू बरबट्टी जो कि राताखार के हैं, इनके ऊपर 102 के अंदर भी कार्रवाई की गई है और 379 जो कि अब चेंज हो गया है चोरी के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जब्त किया गया है। जांजगीर चांपा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्कूली बसों पर कार्रवाई से स्कूल संचालकों और बस मालिकों में हड़कंप मचा है। 8 जुलाई का यह पूरा मामला है जब स्कूल बस का टायर फट गया था। बिना फिटनेस और परमिट के बस चल रही थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद आरटीओ और यातायात विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। बिना फिटनेस वाली बसें लगाने पर स्कूल संचालक से लाखों का जुर्माना वसूला गया है। बस संचालकों से भी जुर्माना वसूला गया है। और अब खबर बस्तर से। बस्तर के कई सरकारी स्कूलों में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं तो कहीं खुले आसमान के नीचे क्लास लग रही है। बीजापुर जिले के पेद्दा कोरमा मुनगा गांव की तस्वीरें। सलवा जुडूम के दौरान बंद हुए स्कूलों को अब तक खोला नहीं गया है। स्कूलों की हालत खराब है, स्कूल भवन जर्जर है, पीने के लिए साफ पानी नहीं, दिन में खाने के लिए बच्चे घर से थाली लाते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कहना है कि बीईओ और बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। छाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है और वहाँ जा भी रहे हैं हम लोग। अभी कल भी हमारा बीजापुर का होने का था हमारे प्रभारी मंत्री के द्वारा, लेकिन जाना नहीं हुआ। अभी इस बीच में हम पूरा जानकारी भी ले रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है, इस टीचर का कहाँ समस्या है क्या। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल गए। 3 तस्वीरें बिलासपुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को हराने में पूरा प्रशासन जुटा रहा। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब काउंटिंग के बीच अधिकारियों ने लंच लिया है। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है।